दोस्तों आप कैसा है? आज मैं देखने वाला हूँ यामा क्रूज का स्टार्टिंग प्रॉब्लम। इस बाइक में देखिए, इसका चाबी का स्विच भी ख़राब हो चुका है। अभी ऑन किया, बाइक न्यूट्रल में है, उसके बावजूद इसका लाइट नहीं आ रहा है, इसका बैटरी ख़राब है और इसका प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं ले रहा है। पहले इसको कारण चेक करना है। मैंने कारण चेक करने वाला हूँ। किक मारो, देखिए इधर कारण नहीं आ रहा है, था स्टार्ट नहीं ले रहा है। मैं आप लोगों को एक एक बार किस तरह से चेक करना है वो मैंने दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़ा रहिए और पूरा वीडियो देखिए। मैंने एक एक पार्ट दिखाता हूँ और किस तरह से चेक करना है वो भी बताता हूँ। इसका कारण का जो समस्या है वो सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले सीट को निकालो, सीट निकाल दिया, अभी टैंकी को निकालो। देखिए दोस्तों, मैंने सब कुछ खोल दिया। अभी इसमें कारण का समस्या कहाँ से हो रहा है वो देखने जा रहा हूँ। और इसका कॉइल प्लेट से कितना वायर आ रहा है, इसका सीडीआई में कितना वायर है, आरआर यूनिट पे कितना वायर है, सभी दिखाता हूँ। अभी एयर फिल्टर बॉक्स का ऊपर का जो नट है उसको निकलना है, उसके बाद मेरा मैग्नेट से आया हुआ जो वायर है वो दिखाई देगा। देखिए अभी ये मैग्नेट से आया हुआ वायर है, अभी कौन सा वायर कौन सा काम का है वो भी दिखाता हूँ। अभी इसको बाहर निकलने के निकल रहा हूँ। देखिए ये बाहर निकल गया। अभी इसको कैसे चेक करना है दोस्तों, मैंने मल्टीमीटर के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। अभी सेट करने के बाद इधर ही रख रहा हूँ। पहले जो पिकअप कॉइल का, ये दो वायर पिकअप कॉइल का है और इधर जो ब्लैक कलर है ये बॉडी अर्थ है, ये जो हरा वाला दिखाई दे रहा है गाढ़ा वाला आपको, ये वाला न्यूट्रल लाइट का है, ये वाला बैटरी चार्जर का है और ये वाला जो येलो कलर है, येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर है लाइट कॉइल का है। अभी ये सभी कॉइल को चेक करके दिखाता हूँ। अभी पिकअप कॉइल पहले चेक करना है, पिकअप कॉइल चेक कर रहा हूँ। पिकअप कॉइल से है तो इधर रीडिंग आना चाहिए 200 के ऊपर। अभी देखिए इधर रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब मेरा पिकअप कॉइल सही है। और लाइट कॉइल को चेक करने के लिए जो ब्लैक में मल्टीमीटर का नेगेटिव और नेगेटिव डाल रहा हूँ, उसके बाद जो लाइट का है जो येलो कलर है उसमें डाल रहा हूँ, उसमें डालने से इधर भी पाएगा अच्छा है। तो सुना जा रहा है आपको साउंड, ये वाला मेरा लाइट कॉइल सही है। उसके बाजू में है जो बैटरी चार्ज करता है जो लाइन, वो सही है कि नहीं है वो भी देखना है, वो भी सही है दोस्तों। ये मेरा ये कॉइल मैग्नेट का कॉइल ऐसे ही है। अभी इसको फिर से वापस डालता हूँ। डालने के बाद और एक चीज़ आपको पहले ही दिखाना चाहिए। देखिए ये जो पिकअप कॉइल का जो वायर, इधर से एक कलर आता है और ये जैक फिट करने के बाद देखिए इधर अलग कलर हो रहा है। ये सीडीआई में जा रहा है, ये दो वायर इधर सीडीआई में जा रहा है। देखिए ये दो वायर सीडीआई में जा रहा है। अभी मैंने इधर रीडिंग मेरा आया 249। अभी इधर भी चेक करके दिखाता हूँ इधर कितना रीडिंग आता है। मैंने अभी इसको भी वापस जोड़ देता हूँ, मेरा मैग्नेट कॉइल सही है। दोस्तों मेरे साथ देखिए एक स्टेप कैसे चेक करना है। इस सीडीआई का पार्ट नंबर भी आप लोग देख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो इस पार्ट नंबर देखिए।
देखिए ये दोनों पिकअप कॉइल से आ रहा है। अभी इस जग को खोलता हूँ। खुलने के बाद अभी उधर मेरा 249 रीडिंग दिखाया था, अभी इधर कितना दिखा रहा है वो भी देखिए। देखिए सेम रीडिंग आ रहा है। फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सेम रीडिंग आ रहा है दोस्तों। ये मेरा पिकअप कॉइल का है, इधर सही आ रहा है और इसका मिडिल में है दो बॉडी, बॉडी का जो दो आर्थ है ब्लैक ब्लैक कलर, और जो जो रोज़ कलर गुलाबी कलर, ये मेरा आउटपुट है एसटी में जाता है। और ये मेरे को वायर करंट चेक करना है इस वायर में, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है। अभी इसको चेक करता हूँ और कैसे चेक करता हूँ देखिए। इसमें एक वायर डाल के बॉडी में टच करने से करंट आना चाहिए, उसके बाद आउटपुट नहीं जा रहा है तो मेरे को सीडी चेंज करना है। अभी इसको चेक करना है, मैंने छोटा वाला वायर चेक करने के लिए काट के रखा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी किक मारो, लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ। करंट आ रहा है, उसका मतलब मेरा इनपुट सीरियल में करंट जा रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। इधर एसटी के पहले आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। मेरा ये वाला सही है, और मेरे को आरआर यूनिट कैसे चेक करना है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे साथ आरआर यूनिट सही है कि नहीं है वो देखने के लिए मैंने एक बल्ब, देखिए इस तरफ एक इंडिकेटर का बल्ब है, अभी इसके ज़रिए से आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैग्नेट से सादा वाला वायर जो आ रहा था वो देखिए आर आर नेट पे आया है। देखिए ये सादा वाला, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वाला, और ये जो लाल वाला है उसका बगल में है नीचे है वो आउटपुट बैटरी चार्ज करने के लिए बाहर निकल रहा है। अभी इधर या मेरे को होल्डर डाल के चेक करना है ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैंने दो वायर को डाल दिया, अभी इधर 12 वोल्ट का बल्ब है, करंट आना चाहिए। मारो, ये करंट आ रहा है, उसका मतलब ये आउटपुट आ रहा है, ये आर आर नेट भी सही है। मेरा जो सी डी आई से करंट आ रहा है और एस टी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखना है। एस टी का जो वायर अभी निकल के उधर भी देखता हूँ, एस टी का वायर ए वाला वायर देखिए, ये जो मैंने जो दिखाया गुलाबी कलर का है रोज कलर, देखिए इस वायर आउटपुट इधर देखिए ये बाहर रहता है इसलिए इसका कलर भी सही नहीं है। इसका अंदर का कलर भी थोड़ा हटा के दिखाता हूँ, देखिए ये वाला, अभी इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेरे को देखना है। इधर करंट आ रहा है तो मेरा जो एसटी कॉइल, इसने इसको बोतल कॉइल भी कहता है, ये वाला ख़राब है। अभी वायर के ज़रिए से इसको इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है मेरे को। दोस्तों मैंने एक एक स्टेप कैसे चेक करना है, एसटी में जो वायर आ रहा है देखिए, मैंने उसमें एक वायर डाल के अभी इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। इधर नहीं आ रहा है तो मेरा सीरियल ख़राब है, करंट आ रहा है तो ये जो एस टी कॉइल है वो ख़राब है। मेरा प्लग होल्डर में करंट नहीं जा रहा है, मैं अभी इधर करंट आ रहा है वो देखना है। देखिए मारो, ये करंट आ रहा है, करंट आ रहा है दिखाई दे रहा है दोस्तों।
ये मेरा जो एसटी कॉइल है, बोतल कॉइल भी कहते हैं, ये कॉइल ख़राब है, इसलिए उधर करंट नहीं जा रहा है। दोस्तों मैंने जो काम दिखाया एक एक पार्ट, आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों आज इतना है बस।